Hello guys, you are most welcome again. Today is 21st day of History of English Literature, and we have completed literature before Chaucer and during Chaucer's age of Chaucer, and after Chaucer, 15th century we are doing with the help of this book. And this is 15th century, and this is also called Baron Age, and we have talked about most of important topics in this age. Now we are going to finish this age. Actually, मैंने सोचा था कि मैं सीधे आप लोगों को आज का वीडियो सीधे शुरू करते हैं, the early Renaissance. लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा in depth क्योंकि मैं देख रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी important इसमें फिर से मिल गई जिन पे मेरा ध्यान गया. कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, if you are studying English literature, Caxton's you know printing press, ये बहुत बड़ा इवेंट था इस टाइम में, जिसने कि यू नो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप होने में मदद की. एंड वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक दैट हाउ इट हेल्प्स टू यू नो डेवलप इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. देन देयर इज अनदर वर्क बाय सर थॉमस मैलरी, मॉर्टिटी ऑथर. तो ये दो चीज़ें जैसे ही नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि चलिए, जब फाइनली हम यहाँ तक कर ही रहे हैं इन डेप्थ, तो इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं. सो लेट्स गो हेड. और जैसे मैंने ये पेजेस अपने डायरी के अंदर रखे, तो ये इस कोटेशन पे मेरी नज़र गई, जो कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, और होपफुली अगर आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए. कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी नेमत मीन्स बात यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंपनसेशन ऑफ लाइफ दैट नो मैन कैन सिंसियरली ट्राई टू हेल्प अनदर विदाउट हेल्पिंग हिमसेल्फ. कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद अपने आप हो जाती है. ये कोटेशन मैंने 12th में लिखी थी और इसको मैं फॉलो करता हूँ, एंड आई फील दैट इट हेल्प मी अलॉट. तो आप लोग भी अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो ज़रूर हेल्प कीजिए जितना आप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आफ्टर स्कॉटिश चौसेरियन जेम्स फर्स्ट के बारे में हमने बात की थी. चलिए, काफ़ी बातें हो गई है, दो मिनट इसी में आप लोगों के चले गए. लेट्स कम टू द पॉइंट. बैलेट्स, एज वी नो आई हैव हाईलाइटेड हियर, यू कैन सी पोइटिकली बैरन पीरियड. एज आई वॉज टेलिंग यू, वी हैव सीन दैट इट वॉज पोइटिकली बैरन बट इमेंसली पॉपुलर. वॉट वॉज इमेंसली पॉपुलर? इट वॉज बैलेट. Okay, we can, if we will go in depth, then we will study the separate books on, 15th century English literature. We will find their carols, ballads, and songs. There were no poetical work, means we can say the most important works were not written in that period, but ballads were composed. Important thing is, these ballads are of two types. First type, known as the folk ballad. दो टाइप के बैलेट थे उस टाइम में, जो कि हम कैसे थे, इन वोक थे, जो कि चल रहे थे उस टाइम. फोक बैलेट हैज सम साइंस ऑफ ग्रुप कंपोजिशन. द सेकेंड टाइप वो नोन मिनिस्ट्रल बैलेट्स. इट्स सर्टेनली द रिजल्ट ऑफ सेकेंड टाइप, द नोन एज मिनिस्ट्रल बैलेट, सॉरी, एंड इट्स सर्टेनली द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोजिशन. दो तरह की कंपोजिशन देखने को मिलती हमें इस टाइम में. First was group composition, which is known as folk ballad, and second is minstrel ballad, and that was individual ballad. Some important ballads are the Battle of Otterburn, important work, and the Nut Brown Maid, and the numerous ballads of the Robin Hood Circle, जो कि उनकी stories होती थी. और जो भी अगर हम हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी इंग्लिश किसी भी लिटरेचर का यू नो ओरिजिन हुआ है, तो ओरिजिन में आपको सॉन्ग्स ही मिलेंगे, रिटन कॉम्पोजिशन कम मिलते हैं. और ये बात एक तरह से ऑब्वियस बात भी है, अगर आप देखेंगे कि ऑब्वियस बात है उस टाइम पे जब फर्स्ट हम बात कर रहे हैं. सो उस टाइम पे हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, लिखने के लिए नहीं थे, पेन नोटबुक वगैरह नहीं थे. तो इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैक्सटन का जो प्रिंटिंग प्रेस था, ही वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, एंड इट वॉज यू नो बिटवीन 1421 टू 1491. ही प्रिंटेड ऑलमोस्ट एवरी वर्क ऑफ रियल क्वालिटी नोन इन हिज डे, इंक्लूडिंग दोज ऑफ चौसर एंड मैलरी. कैक्सटन मेड
Now, today we can read these stories by Chaucer just because of this guy, Caxton. Caxton made and printed 24 translations from French, Dutch and Latin works. So it can be asked that how many translations he made. So he made 24 translations. The Recital of Histories of Troy and the Game of and Play of Chess are his most remarkable translation. Let's talk about this person, Reginald Peacock. His two works are the landmarks in the history of English prose. So, which are those two landmarks? First is Repressor of Overmuch Blaming of the Clergy and the Book of Faith. Two works by Reginald Peacock. Book of Faith and Repressor of Overmuch Blaming of the Clergy. And these were, he departed from the radical reform of Lollard. Lollard movement ke baare mein hum pichli videos mein baat kar chuke hain. And the conservative ideas of Orthodox churchmen, and these are the two books by him. Sir John Fortescue and his works, English works, are The Difference Between the Absolute and Limited Monarchy and the Government of England, are remarkable for clear, easy and straightforward and simple style. Next is The Paston Letters. This is the correspondence of the Paston family. It is great interest to the students of literature, while scholars, clerks, nobles still wrote in Latin. The middle class was taking to English. Now, this is very important thing to write down and to understand. This is not for, you know, for your exam purpose, but for understanding English literature, how it got developed. कैसे ये develop हो रही है, उस चीज को समझने के लिए बहुत important है. कि जो अभी क्लर्क और नॉवेल्स हैं वो अभी लैटिन में लिख रहे हैं. ओके, लाइक इफ यू विल टॉक अबाउट इंडिया, व्हेन यू नो ब्रिटिशर्स वर हियर, वी वर यू नो डीलिंग इन इंग्लिश, स्टिल वी आर डीलिंग इन इंग्लिश, लाइक आर यू नो लॉयर्स एंड अदर्स. सो उस टाइम लैटिन थी, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या कर रही है, इंग्लिश में अभी ले रही है. These letters present a realistic picture of English life from 1422 to 1509. कि ये जो work है या ये क्यों important है, ये जानने के लिए कि इसके बीच में क्या हुआ. If you want to know, you should go through this work. Yeah, ये work आपको एक clear एक idea देगा, but it is not important just because it is not important for you know exam purpose right now. This we have talked about Caxton. Now next important thing is Sir Thomas Malory. This name Malory's memorable work is Mortality Author, was published by Caxton. Remember now, we can connect it to Caxton, who pointed out that it was completed in the reign of King Edward IV in the year 1470. Little is known about Malory's life, the writer's life. Okay, and again, he was the victim of the War of Roses. We have already talked about it. And Mortality Author ke mein hai kya? It is a compilation of French romances dealing with different circles of romances, like that of King Arthur and his Round Table. So remember this one, King Arthur and Round Table. Ab dekhiye ki jaise abhi UGC net mein bhi aapko डिवेलपमेंट ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा एक पोर्शन है जो कि हमें स्टडी करना है. तो अब ये आपको सबसे पहला, आप इसे फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं. अभी हम वी वर यू नो गोइंग थ्रू द डिवेलपमेंट ऑफ पोएट्री, द डिवेलपमेंट ऑफ स्टोरीज, ये हम देख सकते हैं. डिवेलपमेंट ऑफ प्रोज हम देख रहे हैं. अब हम देखेंगे कि ड्रामा में हम फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं. अभी हमने इससे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, बट अब चलो इसे देख लेते हैं. The origin of drama is religious, कि ये जो ड्रामा शुरुआत हुई थी वो religious event को description देने के लिए हुई थी. ठीक है, describe करने के लिए. एक जो it grew out the liturgy, एक जो religious एक ceremony होती है church की, उसमें क्या चीजें दिखाई जाती है. इसमें Christ and gospel stories को उन्हें illustrate किया जाता है. Okay, these were illustrated by series of living picture in which performance acted in a story of dumb shows, as you can see if you have gone through churches. ठीक है, तो क्योंकि हम इफ यू कैन विजिट देयर यू विल सी दोज यू नो स्टोरीज डिस्क्राइब देयर. दीज डम शोज वर मोस्टली एक्टेड इन ऑन क्रिसमस एंड ईस्टर.
इसके बाद हम देख सकते कि दीज ट्रॉप्स वर रिटन इन मोस्टली इन लैटिन एंड फ्रेंच. दे वर इन्वोक्ड बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066. द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ एनी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन इंग्लैंड रेफर टू अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लैटिन प्ले इन ऑनर ऑफ सेंट कैथरीन. सेंट कैथरीन के ऑनर में उन्होंने किया था एट डन्स टेबल अबाउट 1110. एडम इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्ले रिटन इन फ्रेंच अबाउट 20th century. नाउ यू कैन जस्ट पॉज एंड रीड दिस यू नो डिवेलपमेंट ऑफ प्रोज. नाउ फाइनली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस क्रोनोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स सो दैट यू कैन गो थ्रू. ओके Here, this is the most important part of this chronology. 1476 for Caxton Sprat's setup. Okay, and first book got printed in England 1477. And 1485, this is important again. Malory's Motetty also got published. And yes, Falls of Princes, this is also important, 1430. So I hope you learned a lot from this this series up to today, and tomorrow we will be talking about the early Renaissance from 15. So we will talk about it. So thank you so much for being with me. Bye bye. Take care. Don't forget to share. Good luck for exams.